चलिए 10 की दहाड़ की शुरुआत करते हैं। खबर बरेली से है। बाइक पर स्टंट का वीडियो वायरल हो रहा है। 3 बाइक पर 14 लड़के सवार हैं और स्टंट करते नजर आ रहे हैं। देवरनिया थाना क्षेत्र के नैनीताल हाईवे पर ये स्टंट कर रहे थे युवक। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 3 बाइक का चालान कर दिया है। स्टंट से अक्सर हादसों की संभावना बनी रहती है। अपने साथ साथ दूसरे की जिंदगी को भी जोखिम में डालने का यह प्रयास होता है। देखिए चलती हुई सड़क है, ट्रैक्टर ट्रॉली दिखाई दे रही है, बाकी लोग चल रहे हैं, लेकिन यहीं पर 3 बाइक पर 14 युवक हैं सवार होकर स्टंटबाजी कर रहे हैं। बेसिकली रील बनाना, वायरल बनाना, ये तमाम चीजों के लिए कोशिश कई बार भारी पड़ जाती है। तो चलती हुई सड़क पर स्टंट करने से वीडियो बनाने से कई लोगों की जान जा चुकी है। ऐसी खबरें आए दिन आती हैं, लेकिन हादसा हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा, क्योंकि हादसों को न्योता देने की ये खुली कोशिश है। देखिए आप, खबर अमरोहा से है। अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मारी है। आदमपुर थाना क्षेत्र के ढबारसी उझारी मार्ग पर यह एक्सीडेंट हुआ है। युवक की मौत हो चुकी है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। टक्कर मारने वाली गाड़ी की तलाश में अब पुलिस है। अमरोहा से बड़ी खबर, अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मारी। आदमपुर थाना क्षेत्र के ढबारसी उझारी मार्ग पर यह शव मिला है युवक का। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इसके साथ ही तलाश है उस गाड़ी की जिसने इस युवक को टक्कर मारी है। क्या यह टक्कर जानबूझ के मारी गई या फिर यह एक्सीडेंट था, यह तमाम सवाल है पुलिस के सामने, जो कि जांच के बाद स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन युवक की दर्दनाक मौत। बड़ी खबर, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर अप्रैल से टोल देना होगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर कारों को 610 रुपए टोल के तौर पर देना होगा और हल्के कमर्शियल वाहन को 965 रुपए टोल देना होगा। टैक्स वसूली के लिए यूपीडा जल्द ही टेंडर निकालेगा। तो देखिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर सफर करने के लिए टोल चुकाने के लिए तैयार हो जाइए। अप्रैल से यह टोल देना होगा, यूपीडा टेंडर निकालेगा और उसके बाद टोल देकर ही सफर कर पाएंगे आप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर। कार को 610 रुपए, हल्के कमर्शियल वाहनों को 965 रुपए का टोल देना होगा। यूपीडा तैयारी में है, जल्द ही टेंडर निकाला जाएगा और अप्रैल से यह टोल लगना शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खबर आजमगढ़ से है। 25,000 के इनामी को की मुठभेड़ हुई है पुलिस से। बरदा थाना क्षेत्र में यह मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया है। लूट का आरोप सूरज कुमार है के ऊपर है। इनके खिलाफ कुल 8 मुकदमे दर्ज हैं। 25,000 का इनामी है सूरज। गिरोह बनाकर लूट को अंजाम देता था। मेहनगर थाना क्षेत्र में गेहूनी गांव का रहने वाला है। मुठभेड़ के बाद पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने कहा कि गिरोह के बाकी सदस्यों को भी शिकंजे में लिया जाएगा, उनके ऊपर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जाएगी। थाना बरदा की पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक शातिर लुटेरे और 25,000 के पुरस्कार घोषित अपराधी सूरज कुमार उर्फ डंपी, जो थाना महनगर गांव गोहनी का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। इसको उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। इसके पास से चोरी की एक मोटरसाइकिल, अवैध शस्त्र व कारतूस बरामद किए गए हैं। खबर रायबरेली से। संदिग्ध परिस्थिति में भीषण आग की खबर है। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के दिन खत खेड़ा गांव में भेड़ बकरियों के बाड़े में आग लगी है। 35 से ज्यादा भेड़ बकरियां झुलस चुकी हैं, उनकी मौत हो चुकी है। गांव के बाहर भेड़ बकरियों को बांधने के लिए बाड़ा बनाया गया था। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचकर आग पर काबू पाती है, लेकिन इस दरमियान कई मवेशी भेड़ बकरी इस आग के आगोश में आ गए हैं। बताया जा रहा है उनके झुलसने की खबर है। गांव से बाहर ये बाड़ा बनाया गया था। आग लगती है, फायर ब्रिगेड को सूचित किया जाता है, लेकिन काफी नुकसान हो गया। पशुधन के नुकसान की खबर है। हरचंदपुर थाना लगता है दिखनत खेड़ा गांव है। गांव से बाहर एक बेड़ा और उसमें भेड़ बकरियों को बांधा गया था, जिसकी आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं।
जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष का को एजुकेशन को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। अरशद मदनी ने को एजुकेशन का विरोध किया है। लड़के लड़कियों को एक साथ पढ़ना को एजुकेशन है और उनके एक साथ पढ़ाई पर उन्होंने सवाल उठा दिया है। सशिक्षा मुस्लिम लड़कियों में धर्म त्याग की ओर उन्हें ले जा रही है, ये कहना अरशद मदनी का। लड़के लड़कियों का स्कूल अलग ही होनी चाहिए, उनकी पढ़ाई लिखाई अलग होना चाहिए। को एजुकेशन मुस्लिम लड़कियों को धर्म से उन्हें दूर करता है, ये बयान दिया है अरशद मदनी ने। को एजुकेशन पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि मुस्लिम लड़कियां अगर को एड स्कूल में पढ़ती हैं जहां लड़के लड़कियों को एक साथ शिक्षा दी जाती है, तो ऐसे में न जाने कैसे मुस्लिम लड़कियों में धर्म त्याग की भावना जागती है, ये कहना है अरशद मदनी का। और उन्होंने को एजुकेशन को लेकर के ये बयान दिया है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष हैं अरशद मदनी और उन्होंने को एजुकेशन का विरोध करते हुए एक बयान दिया है। उनका कहना यह है कि सह शिक्षा यानी लड़के लड़कियों को एक साथ अगर पढ़ाया जाए तो इसमें मुस्लिम लड़कियों को, उनको लगता है कि वो धर्म त्याग की ओर आगे बढ़ जाएंगी। को एजुकेशन पर क्या बोले अरशद मदनी, आइए समझते हैं। लड़के लड़कियों के एक साथ पढ़ाई पर उन्होंने सवाल उठाया है। अरशद मदनी ने कहा सह शिक्षा मुस्लिम लड़कियों में धर्म त्याग की भावना जगाती, उन्हें धर्म त्याग की ओर ले जाती है। अरशद मदनी ने कहा लड़के लड़कियों को अलग अलग ही पढ़ना लिखना चाहिए। अरशद मदनी बोले हैं ज्यादा संख्या में शिक्षण संस्थान खोलने चाहिए। अरशद मदनी ने यह भी कहा कि देश में फैल रहे धर्म त्याग के प्रलोभन का खतरा है। अरशद मदनी ने यह कहा कि मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो रही है। अरशद मदनी ने यह भी दावा किया कि मुस्लिम लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। अरशद मदनी ने कहा कि हालात न बदले तो जो स्थिति है, जो कंडीशन है, वो विस्फोटक हो सकती है। तो जाहिर तौर पर कोविड को लेकर के उन्होंने काफी कुछ कह दिया है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष हैं अरशद मदनी, अब आप पूछेंगे कौन है, तो उनकी भी डिटेल देख रहे हैं। उनके बयान पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अरशद मदनी को उनके बयान पर ही उन्हें घेरा है। जाहिर तौर पर बयान पर प्रतिक्रिया आई है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने लड़कियों की शिक्षा को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कहीं ना कहीं जो उनके समाज की लड़कियां हैं उनको जो कोएड एजुकेशन में पढ़ाया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं लड़कियां, कहीं ना कहीं उनकी जो शिक्षा है वो ठीक ढंग से नहीं हो रही है। और उन्होंने इसका पहले भी विरोध किया था और अब भी वो कहीं ना कहीं जो कोएड सह शिक्षा है उसका विरोध करते हैं। और लड़कियों के लिए, जो उनके समाज की लड़कियां, उनके लिए अलग स्कूल खोलने चाहिए, समाज को इसके लिए आगे आना चाहिए। इस तरह का बयान उन्होंने दिया। हमारे साथ बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली जी हैं, उनसे जानेंगे। बासित जी, जिस तरह का बयान जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो सह शिक्षा कोएड एजुकेशन दी जा रही है उससे लड़कियां कहीं ना कहीं उनके समाज की वो गलत दिशा में जा रहे हैं। जहाँ दुनिया चांद पर पहुँचने की बात कर रही है वो मदरसों की बात करते हैं, जहाँ मोदी जी बच्चों के हाथ में कंप्यूटर और लैपटॉप देने की बात करते हैं वो उनको दीनी तालीम देने की बात करते हैं, क्योंकि उनकी जो टोटल दुकानदारी है या उनका जो सिस्टम है वो तभी फल फूल सकता है जब मुसलमान बच्चियाँ बच्चे ना पढ़ें। और वो लगातार शिक्षा की ओर उनको लेकर जा रहे हैं। अगर तीन बच्चे नीट पास कर लेते हैं उसका हल्ला मचाते हैं, उन्हें देखते हैं कि करोड़ों की आबादी के अंदर तीन चार बच्चे अगर होंगे तो क्या होगा। आज जहाँ मुस्लिम बच्चियाँ हों या कोई भी हो, अभी जो नीट के अंदर एक बच्ची है, एक उत्तर प्रदेश से ही सानिया मिर्ज़ा पायलट बनी हैं, तो तमाम ऐसी उपलब्धियां बच्चियों के साथ हैं। और एक बच्ची के पढ़ने से पूरा ख़ानदान पढ़ जाता है और पूरा ख़ानदान आगे बढ़ जाता है। उनको ये समझना चाहिए कि वो दुनिया के साथ चलें और वो आज के युग के साथ चलें। वो लगातार जो एक मुसलमानों को पीछे लेकर के चल रहे हैं वो एक बुज़ुर्ग का काम नहीं है, एक अच्छे उलेमा का काम नहीं है। उनको चाहिए कि बच्चों को प्रोग्रेसिव बनाएं, बच्चों को पढ़ाने की ओर ले जाएं, और लगातार अपने केवल फायदे के लिए बच्चों के भविष्य के खिलवाड़ की बात करते रहते हैं। प्रोग्रेसिवनेस की बात होती है, प्रोग्रेसिव होने की बात होती है, लेकिन इस तरह का बयान देकर कहीं ना कहीं वो अपने समाज को बरगलाने का काम कर रहे हैं। कैमरे हरिओम के साथ अनवर शुक्ला, एक गंगा लखनऊ। ये बात करेंगे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों से जुड़ी अपडेट ये है कि आज लखनऊ में निवेशक सम्मेलन होना है। लोकल इन्वेस्टर के लिए ये निवेशक सम्मेलन होगा। जिला प्रशासन और इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का ये निवेशक सम्मेलन आज आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में सरकार की नीतियों और प्रक्रियाओं की जानकारी दी जाएगी। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यह सम्मेलन होना है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इसका उद्घाटन करेंगे। निवेशक सम्मेलन के दौरान चार सेशन होंगे।
आपको बता दें कि फरवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के लखनऊ में निवेशक सम्मेलन किया जाएगा। लोकल इन्वेस्टर्स को जानकारी दी जाएगी किस तरीके से सरकार की तमाम नीतियां हैं और उनके क्रियान्वयन के लिए जो स्टेप्स हैं, जो प्रोसीजर है, उनको समझने में आसानी मिले तमाम इन्वेस्टर्स को। इसके लिए इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इसका उद्घाटन करेंगे। लोकल इन्वेस्टर्स के लिए सरकार की नीतियों और प्रक्रियाओं की डिटेल जानकारी दी जाएगी। तो ग्लोबल निवेश की लोकल तैयारी क्या है, आइए डिटेल समझते हैं। लखनऊ में निवेशक सम्मेलन का आयोजन होना है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर के ये निवेशक सम्मेलन होना है। देखिए, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का ये सम्मेलन है, उनकी तरफ से ये आयोजित है। लखनऊ जिला प्रशासन सम्मेलन में शामिल होगा। सरकार की जो नीतियां हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, जिसका फायदा लोकल इन्वेस्टर उठा सकते हैं, उसकी जानकारी उन्हें दी जाएगी। और इनॉग्रेट करेंगे ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम। और लखनऊ में बात करें, अब तक 16,500 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव रखा गया है, तो उसका ग्राउंड है तैयार, लेकिन जानकारी कैसे साझा की जाए, तो इसी समिट में तमाम लोकल इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया गया है। उनको बताया जाएगा कौन से प्रोसीजर हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसका फायदा उठा करके वो निवेश को यूपी में ला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। उनके लिए आज 4 सेशन रखे गए हैं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इसका उद्घाटन करेंगे। लोकल इन्वेस्टर्स के लिए ये सम्मेलन रखा गया है, जहां उनको तमाम प्रक्रियाओं की जानकारी, क्योंकि कई बार इन्वेस्टमेंट को, इन्वेस्टर्स को सहूलियत देने के लिए बहुत सारी जो नीतियां बनी हैं, उन नीतियों का फायदा कैसे उठाया जाए, इसकी जानकारी ना हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए आज इस इन्वेस्टर समिट में लोकल इन्वेस्टर्स को ये तमाम जानकारी, ये स्टेप्स, ये प्रोसीजर बताया जाएगा, ताकि वो इन सहूलियतों का इस्तेमाल करके उत्तर प्रदेश में अपने निवेश को बढ़ाएं और वो भी आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश भी आगे बढ़े। तो 2 स्टेप पे देखा जा रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को। ग्लोबल से लोकल तक बारीक तरीके से निगाह रखी जा रही है, जहां तमाम मंत्रियों को विदेश भेजा गया, वहां से इन्वेस्टमेंट लाने की कवायद रही, तो वहीं लखनऊ में लोकल इन्वेस्टर्स पर भी नजर है प्रदेश सरकार की। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जोशीमठ के आपदा की तस्वीरों की। जोशीमठ में खतरनाक दरार वाले भवनों पर एक्शन शुरू है, यह खबर है। गिराए जाने वाले भवन को के जो बिजली कनेक्शन है उन्हें काटे जा रहे हैं, कुछ ही देर में उन घरों को गिराने की कवायद शुरू हो जाएगी। कुल 45 ऐसे भवन हैं जिन्हें एक एक करके गिराने की कोशिश की जाएगी। मकानों के ध्वस्तीकरण में मशीनों का इस्तेमाल नहीं होगा, यानी जिस तरीके के सेंसिटिव जोन में ये घर हैं, ये बिल्डिंग्स हैं, इन्हें गिराए जाने के लिए बहुत एहतियात बरती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से तेजी से जमीन धंस रही है और ये बिल्डिंग कभी भी बेतरतीब तरीके से गिर सकती हैं, उससे बचाने के लिए इन्हें खुद ही गिराए जाने की कवायद शुरू हो गई है। बिजली का कनेक्शन काटा जा रहा है और बिना मशीनों के इस्तेमाल के, भारी भरकम मशीनों के इस्तेमाल के इन बिल्डिंग्स को गिराना एक बड़ा चैलेंज है। बहुत सेंसिटिव प्रोजेक्ट है जिसे अब पूरा किया जाएगा। 75 ऐसे मकान हैं, भवन हैं, बिल्डिंग हैं जिन्हें गिराने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, और बिल्डिंग गिराने से पहले जाहिर तौर पर जो मौजूदा कनेक्शन है वो काटे जा रहे हैं। इसी की शुरुआत हो चुकी है। आपको बताएं, अब से थोड़ी ही देर में बिना मशीन के इन बिल्डिंग्स को गिराया जाएगा, जो कि काफी चैलेंजिंग है। जिस तरीके से जमीन धंसती जा रही है, भारी भरकम मशीनों को नहीं इंट्रोड्यूस किया जाएगा, यहां पर एक एक करके इन 75 भवनों को गिराया जाना है, बहुत देख रेख, बहुत बारीकी के साथ, क्योंकि वैसे भी बहुत सेंसिटिव हो चुकी है ये जमीन, जहां पर ये मकान बने हुए हैं, ये बिल्डिंग, ये होटल बने हुए हैं, उन्हें गिराना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि जमीन के धंसने के साथ साथ इधर उधर मलबा ना फैले और किसी भी जगह ना गिरे ये बिल्डिंग। और उधर किसान नेता राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर में आंदोलन का ऐलान किया है। मुजफ्फरनगर में 28 जनवरी की रात से आंदोलन का ऐलान किया गया है। किसान की समस्याओं को लेकर के राकेश टिकैत आंदोलन करेंगे, ये खबर आ रही है। राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर से आंदोलन का ऐलान किया है, 28 जनवरी तारीख बताई है और 28 जनवरी की रात से आंदोलन शुरू होगा, ऐसी जानकारी दी है। और मुद्दा है किसान की समस्या, तमाम किसान की समस्याओं को लेकर के वो फिर से आंदोलनरत होंगे, इस बात की जानकारी आ रही है। तारीख है 28 जनवरी और 28 जनवरी की रात से वो सक्रिय हो जाएंगे तमाम किसानों के साथ।
हमारा धरना शुरू होगा, मुजफ्फरनगर का ग्राउंड होगा, उसमें धरना ट्रैक्टर के साथ में 28 जनवरी की रात होगी। हम वहीं पे ही रहेंगे, अपने घर नहीं जाएंगे, वहां से ही आंदोलन शुरू करेंगे। हमारा धरना शुरू होगा, मुजफ्फरनगर का ग्राउंड होगा, उसमें धरना ट्रैक्टर के साथ में 28 जनवरी की रात होगी। हम वहीं पे ही रहेंगे, अपने घर नहीं जाएंगे, वहां से ही आंदोलन शुरू करेंगे। हमारा धरना शुरू होगा, मुजफ्फरनगर का ग्राउंड होगा, उसमें धरना ट्रैक्टर के साथ में 28 जनवरी की रात होगी। हम वहीं पे ही रहेंगे, अपने घर नहीं जाएंगे, वहां से ही आंदोलन शुरू करेंगे। हमारा धरना शुरू होगा, मुजफ्फरनगर का ग्राउंड होगा, उसमें धरना ट्रैक्टर के साथ में 28 जनवरी की रात होगी। हम वहीं पे ही रहेंगे, अपने घर नहीं जाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।